प्रयागराज जिले के ब्लॉक करछना के ग्राम सभा डाडू की सरकारी राशन की दुकान काफी दिनों से गांव से दूर दूसरे गांव नरेना के निवासी के यहां संचालित हो रही है, जिससे कई कार्डधारियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस गांव के कार्डधारियों एवं ग्राम प्रधान की ओर से कोटेदार के खिलाफ उप जिलाधिकारी करछना से लिखित शिकायत की गई थी। शिकायत पत्र में उल्लेखित किया गया है कि ग्राम सभा डांडू के खाद्यान्न की दुकान दूसरे नरेना गांव निवासिनी के नाम तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर उसके किराने की दुकान में संचालित होती है। कार्डधारी महिलाओं ने आरोप लगाया है कि कोटेदार राशन देने में कहता है कि अंगूठा शो नहीं कर रहा है। उप जिला अधिकारी करछना ने सप्लाई इंस्पेक्टर करछना अमित चौधरी को निर्देशित किया था कि मौके पर जांच करके सप्ताह के भीतर आख्या प्रस्तुत करें। आज सप्लाई इंस्पेक्टर अमित चौधरी ने डांडू गांव में पहुंचकर लोगों से पूछताछ की, जिसमें गाँव की जुटी कार्ड धारी महिलाओं ने जांच अधिकारी से बताया कि कोटे की दुकान तकरीबन 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव नरेना निवासिनी सुशीला देवी केसरवानी के यहाँ संचालित होती है, जो कि कोटेदार ग्राम सभा नरेना के निर्वाचन सूची में भी है। डांडू ग्राम सभा के कार्डधारियों में कल्लू देवी, सुमन देवी, विजय कुमारी, शिवकली, प्रभावती देवी, सीता देवी, सत्यनारायण आदि कार्डधारियों ने जांच अधिकारी से मांग की। कोटे की दुकान दूर है, कोटे की दुकान गाँव में ही होनी चाहिए। हम सभी लोगों को जो राशन के विषय में जानकारी नहीं मिलती और 4-5 माह से हम सभी को राशन भी नहीं मिला है। सप्लाई इंस्पेक्टर करछना अमित चौधरी ने लोगों के बयान दर्ज करके उन्होंने बताया कि इसकी रिपोर्ट SDM करछना को सौंप दी जाएगी।